आज इस सदन में तमिलनाडु प्रदेश से संबंधित संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश अधिनियम 2022 नामक अधिनियम जो तमिलनाडु के नारी कुर्बन कुरुविकारण समुदाय को शामिल करने के संबंध में चर्चा हुई, कल भी चर्चा हुई, आज भी काफ़ी माननीय सदस्यों ने अपने सुझाव दिए। डॉक्टर जय कुमार से लेकर हमारे मलुक साहब तक लगभग 27-28 वक्ताओं ने इस पर बयान दिया, अपनी बातों को रखा, अपने विषय को सामने लेकर अपने अपने राज्यों से संबंधित चिंता भी जाहिर की, समस्याओं को भी उद्धृत किया और सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया। मैं इसके लिए सदन के सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं और कुल मिलाकर मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जो तमिलनाडु राज्य से संबंधित संविधान आदेश संशोधन अधिनियम 2022 है उसका लोगों ने समर्थन किया, क्योंकि ये ऐसे समुदाय से संबंधित है जो आज़ादी के लंबे कालखंड तक नज़रअंदाज किए जाते रहे। इसके पहले भी कई राज्यों के बारे में इस सदन में चर्चा हुई और उस चर्चा के दौरान भी कुछ माननीय सदस्यों ने तमिलनाडु की चर्चा की और सरकार का ध्यान हमेशा ऐसे विषयों पर रहा है कि सुदूरवर्ती क्षेत्र में रहने वाले जनजातीय वर्ग समाज और वैसे वर्गों के लोगों को न्याय मिले। संविधान के जो मंशा है, संविधान के जो भावना है, उस भावना के आधार पर भारत के समस्त क्षेत्रों में रहने वाले ऐसे समुदायों को न्याय मिले। और इस दृष्टि से माननीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में लगातार प्रयत्न हो रहा है, कोशिशें हो रही है और उसका साकार स्वरूप इस सदन के चर्चा के माध्यम से सामने दिखाई दे रही है और हमारे लिए खुशी की बात है कि जो लंबे अरसे के ऐसे मामले उलझे हुए और ऐसे लोग जो हमेशा संवैधानिक प्रावधानों से अछूता रहे, उन्हें आज न्याय मिल रहा है और उसमें से एक नारी कुर्बन कुरुविकारण समुदाय है। तमिलनाडु के इस समुदाय जो बहुत सुदूरवर्ती क्षेत्र में रहते हैं और जिसके बारे में कुछ माननीय सदस्यों ने चर्चा किया, उनके जीवन, उनके रहन सहन, उनके जीवन पद्धति, उसकी संस्कृति, कलाकृति, कि वो किस तरीके से आदि काल से जंगलों पर आश्रित होकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं और उन्हें आज भी उन्हीं जंगलों पर विश्वास है और उसी को आधार मानकर जीते हैं। तमिलनाडु प्रदेश की आबादी 7,21,00,000 है 2011 के जनगणना के अनुसार, और यदि इस समुदाय की बात की जाए तो लगभग कुल मिलाकर के इसके लगभग समुदाय 27,000 है। ये समुदाय संख्या अधिक नहीं है, लेकिन जो लोग रहने वाले हैं उस तक पहुंचना कितना ज़रूरी है यह माननीय नरेंद्र भाई मोदी की सरकार महसूस करती है कि वैसे जगहों में सुदूरवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को न्याय मिले और उन्हें हम समझ सके, उनका समाधान कर सके। और आज तमिलनाडु के ऐसे आबादी जो मात्र हजारों की संख्या में है, उनको न्याय देने का काम हो रहा है और प्रत्येक राज्य के ऐसे समस्याओं का समाधान हम करने में लगे हुए हैं। कहाँ रहते हैं तमिलनाडु? तमिलनाडु में ये कई स्थानों पर रहते हैं, दुरुस्त स्थानों पर रहते हैं उनके, ये कुल मिलाकर के आप ये मान के चलिए पहाड़ों के ऊपर रहते हैं। नहीं, ऊटी एरिया, वहाँ वड़गा कम्युनिटी रहती है, ऊटी एरिया में वड़गा कम्युनिटी रहती है। तो अरे छोड़ो,
ये कुरु करवन समुदाय एक तरीके से थोड़ा खानाबदोश भी है, खानाबदोश भी है, घुमंतु भी है, और इनका शिकार ही सबसे मुख्य साधन है। थोड़ा हंटिंग ज़्यादा करते हैं, शहर में भी हंटिंग कर सकते हैं लोग को अगर आप आमंत्रित करिएगा तो तो ये अपने समुदाय के आधार पर ही इनकी पहचान है। ये जो अभी हमारे एक सांसद जय कुमार जी बता रहे थे कि इनका जो इनका नारी कुरुबर कहने से इन्हें सम्मानित महसूस किया जाता है, लेकिन राज्य सरकार से हमने जब क्रॉस्पॉन्डेंस किया, बातचीत किया कि उनके रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में क्या है, क्योंकि जब भी उनको कुछ सर्टिफिकेट्स की आवश्यकता होती है तो उनके रेवेन्यू रिकॉर्ड्स देखे जाते हैं और उसके आधार पर उनकी पहचान होती है, फिर उन्हें सर्टिफिकेट दिया जाता है, और इसलिए जो उनके रिकॉर्ड्स में है उसी के आधार पर ये लाया गया है। लेकिन वहाँ के लोगों के जानकारी में भी है, कई जगहों में कई तरह से लोग उनको संबोधित करते हैं या उनका परिचय है। ये आज बहुत ही महत्वपूर्ण बिल मैं समझता हूँ, क्योंकि यदि हम देखें कि 31 करोड़ के देश में 27,000 समुदाय तक अगर हमारी दृष्टि जा रही है तो सरकार की मंशा को आप समझ सकते हैं। ये वोट की राजनीति नहीं है, यह विशुद्ध रूप से अंत्योदय और गवर्नेंस का एक मॉडल है कि हम सुदूरवर्ती क्षेत्र तक पहुंच करके उन्हें न्याय कैसे मिले और सुनिश्चित कर सकें। पर मैं वैसे लोग जिन लोगों ने कुछ लोगों ने आलोचना किया तो मैं उन लोगों को यही कहना चाहूँगा कि उन लोगों के तरफ से कि दुख अपना अगर हमको बताना नहीं आता तो आपको भी तो अंदाज़ा लगाना नहीं आता, और अंदाज़ा लगाना अगर किसी को आता है तो उस शख्स का नाम है नरेंद्र भाई मोदी, जिसके सरकार में लोगों को न्याय मिल रहा है। मैं इस अवसर पर निश्चित रूप से कहूंगा, कुछ माननीय सदस्यों ने कुछ इसके साथ साथ ही और कल जय कुमार जी ने भी इस विषय पर कि प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप राज्य केंद्र सरकार ने, मैं आपको बता दूं कि आपने जो विषय रखा है वो तथ्य से परे है, क्योंकि आपको या तो उसकी पूरी जानकारी नहीं है या तो आपने जानकारी ली नहीं है या तो राजनीतिक दृष्टि से कुछ बातें कहने की कोशिश की है। आप यदि देखें 2021-22 में हमारा प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप 400 करोड़ का प्रोविज़न था और उसमें 394 करोड़ हमने राज्य सरकारों को प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के तहत डीबीटी मॉडल में पैसा आवंटित किया है। 2022-23 में अगर आप देखें तो 419 करोड़ जिसको हमने प्रावधान किया है, और अभी हम यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट मांग करके वो राशि हम उपलब्ध करा देंगे। वो क्रम अभी ये इस वर्ष का है, वो चल रहा है। लेकिन आपको कहाँ से ये पता चला कि इसमें कटौती की गई है, या आपके रिकॉर्ड्स कहाँ से है ये मैं नहीं बता। देखिए वो दो जो ट्राइबल के संबंध में जो आपने पूछा मैं वो बता रहा, जो आपने पूछा मेरे तो प्रोविजंस में है, सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, आप इसको ले सकते हैं, उन रिकॉर्ड्स में कर रहा हूँ। नहीं, हमारा जो प्रोविजन प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप का है, प्लीज प्रोविजन इसमें किया हुआ है, बैठिए, राशि हम आवंटित कर रहे हैं। प्लीज लेट द मिनिस्टर कंप्लीट, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड एक्सेप्ट द मिनिस्टर्स। बदस्तूर उसके बारे में आपको किसी तरह की आशंका नहीं होनी चाहिए। बाकी दूसरे मंत्रालयों में क्या है उसकी जानकारी आपके पास क्या है वो आप बता सकते हैं, वो अलग अलग विषय है। जो विषय हमारे से संबंधित है वो मैं आपको स्पष्ट बताना चाहता हूँ, और इसलिए 2013-14 में, 14 आने से पहले 2013-14 में अगर देखें तो वो 211 करोड़ थी, अब हम उसको डबल कर चुके हैं, 419 करोड़ कर। आपको ये ध्यान में रखना। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि पहले 10 लाख जनजातीय छात्रों को
स्कॉलरशिप दी जा रही थी। अगर आप 2021-22 को देखें तो अभी हम 15 लाख छात्रों को स्कॉलरशिप दे रहे हैं। तो इस तरीके से ये जो आपने कुछ बातें उठाई ये सत्य से परे है और केंद्र सरकार की मंशा है कि एजुकेशन में, यही नहीं प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, इसके साथ साथ ही ओवरसीज स्कॉलरशिप या ऐसे इसके अलावा भी कई तरह के स्कॉलरशिप, किसी में हमने कोई पाबंदी नहीं लगाई, बल्कि कुछ में जो पहले 1000 संख्या हमने सुनिश्चित किया था उसको असीमित कर दिया। अब 1000 से अधिक जितने भी आवेदन आएंगे सबको हम इंटरटेन करेंगे, ये प्रावधान भी हमने कर दिया। इसके अलावा 30 लाख और बच्चों को हम स्कॉलरशिप का पैसा उपलब्ध करा रहे हैं, जो DBT मोड में सभी राज्यों को हमने एक पोर्टल के माध्यम से सुनिश्चित किया। तो राज्य सरकार जितना अधिक अपने बच्चों तक DBT के माध्यम से सुनिश्चित करेगी, हम उतना राशि उनको उपलब्ध कराएंगे, ये हमारे प्रावधान में। दूसरी बात यह है कि पहली बार इसके पहले राज्यों के साथ हम मिलकर के, ठीक है कई योजनाएं चल रहा है और आगे भी चलेगा, लेकिन हमने पहली बार आज़ादी के बाद नरेंद्र भाई मोदी के सरकार में जो योजना प्रारंभ किया है उसका सेंट्रल सेक्टर स्कीम के रूप में, यानी पूरा भार केंद्रीय स्तर पर लिया जाएगा। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल लगभग 29,000 करोड़ की योजना को हमने सुदृढ़ करते हुए अब वो धीरे धीरे कार्य पूरा होने जा रहे हैं। अभी वैकेंसी है उसका भी काम चल रहा है, उसका भी काम चल रहा है, उसका अभी नहीं देखिए, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि इसके पहले नो क्रॉस टॉक प्लीज, लेट द मिनिस्टर कंप्लीट, इफ यू हैव एनी क्लेरिफिकेशन प्लीज आस्क आफ्टर द कंप्लीशन। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि इसके पहले एकलव्य मॉडल स्कूल जो चलते थे वो आर्टिकल 275(1) के तहत ग्रांट इन एड में चलते थे। अब मैंने इसको सेंट्रल सेक्टर स्कीम बना दिया भारत सरकार के माध्यम से, 100% ग्रांट उसमें, स्कूल बिल्डिंग से लेकर सारे स्टूडेंट्स के, एवरी स्टूडेंट्स जो भी वहाँ एडमिशन लेगा उसको फ्री एजुकेशन, फ्री एकोमेंडेशन, सारी कोचिंग। एक स्कूल में 4 खेल का मैदान हम बना रहे, एक एक स्कूल में कंपल्सरी स्पोर्ट्स हम कर रहे हैं, और 100 नए सिर्फ आर्चरी एकेडमी उसमें हम बना रहे हैं, आर्चरी एकेडमी हम वहां पर बना रहे हैं। तो इस तरीके से एजुकेशन में हम पूरी तरीके से, क्योंकि हमें मालूम है हेल्थ एंड एजुकेशन सुदूरवर्ती क्षेत्रों में ये एक बड़ी समस्या रही है लंबे कालखंड के बाद, जिसको माननीय नरेंद्र भाई मोदी की गवर्नमेंट ने प्रायोरिटी के साथ लेकर सुनिश्चित कैसे किया जाए कि हेल्थ एंड एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर भी बने, और बार बार माननीय प्रधानमंत्री जी कैपिटल एक्सपेंडिचर के माध्यम से उन सुदूरवर्ती क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट अच्छे से हो, इस पर लगातार प्रयत्न करते हैं और हम उस कार्य को आगे बढ़ाते हैं। तो इस तरीके से जहाँ लगातार हमारा डेवलपमेंटल प्रोग्राम चल रहा है हेल्थ के ऊपर में, एजुकेशन के ऊपर में, लाइवलीहुड के ऊपर में, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के ऊपर में, रोजगार कैसे अधिक से अधिक लोगों को मिले, और जो वन्य जीवन उनका आदिकाल की परंपरा है, उस आदिकाल की जो परंपरा है कल्चर वो बना रहे, उसकी संस्कृति की जो अमिट पहचान है वो बना रहे, इस पर काम हो रहा है। कुछ माननीय सदस्यों ने अपने अपने राज्यों से संबंधित कुछ कम्युनिटी के बारे में कहा है, लेकिन मैं जैसे एक धनगढ़ के बारे में लोगों ने बताया, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1979 में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक पत्र, एक रिपोर्ट भेजा था, लेकिन 1981 में राज्य सरकार ने ही उसको विड्रॉ कर लिया। अब ये राज्य सरकार के अधीन है इन सारे मामले, ये हमारे यहाँ कोई मामला पेंडिंग नहीं है। अच्छा, एक माननीय सदस्य हमारे निशिकांत जी ने भी उठाया, या ऐसे कई प्रश्न कई बार कई माननीय सदस्यों ने उठाया, मैं आपको बताना चाहता हूँ भारत सरकार पूरी स्पष्टता के साथ जो मापदंड है उसके आधार पर काम करती है,
और यह बात सही है कि कुछ कमेटी, कुछ इस तरह के जिसे कहा जाए कि समय समय पर बनी और उनके कुछ रिकमेंडेशन आए, उसके बारे में भी चर्चा किया, मैं इस संबंध में मुझे जानकारी है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि जो हमारी मोडालिटीज, जिसको एक व्यवस्थित ढंग से कहा गया है कि इस विधि से ही इसका निस्तारण किया जा सकता है, तो इस बारे पर काफ़ी चर्चा हुई और राज्य और आरजीआई के साथ संवाद करने के बाद ये हुआ कि राज्यों के अनुशंसा के आधार पर आरजीआई ही उसको वेटिंग करके आगे बढ़ाएगा, ताकि जो सेंसस डेटा कंपाइलेशन का और ख़ास करके कम्युनिटी बेस्ड जो शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स के डेटा एनालिसिस का करने का काम आरजीआई करती है, तो उसके जो प्रविधि है, उसके जो मोडालिटीज है, उसके आधार पर ही किए जाएंगे। और इस संबंध में भी जितने कम्युनिटी के बारे में कहा है, मैंने राज्य सरकारों से पत्राचार किया और कहा है कि आपके पास जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जिसके आधार पर आप कह रहे हैं, वो सारी चीज़ें आप केंद्र सरकार को उपलब्ध करें। इसलिए जो भी कम्युनिटी के बारे में हमारे पास आता है, उन सारे कम्युनिटी के बारे में हमने राज्य सरकार को स्मारित किया है। और तो सभी जो भी कम्युनिटी के बारे में आपको, आप डिटेल्स में, चूंकि ये तमिलनाडु की चर्चा हो रही है, लेकिन बाकी किसी भी राज्य के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन आप चाहें तो हम उपलब्ध करा सकते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है, क्योंकि हमारी ये प्राथमिकता है कि ऐसे चीज़ों का अस्थाई समाधान निकले, लोगों को न्याय मिले। और जो अंत्योदय का संकल्प माननीय नरेंद्र भाई मोदी की सरकार का है, वो संकल्प पूरा हो, इसलिए यह विधेयक हमने आपके सामने प्रस्तुत किया। मैं सदन से आग्रह करता हूँ कि इसे सर्वसम्मति से पारित किया जाए।